है, क्या साईं बाबा परमात्मा है? इस प्रश्न को समझने के लिए हमें बहुत अच्छी तरह से समझना है परम आत्मा, एक ऐसी आत्मा जो सर्वोच्च है, परम है, सुप्रीम है, और वो सुप्रीम आत्मा के लिए कहा जाता है अभोक्ता, अजन्मा, अशरीरी, अयोनि, सर्वज्ञ, सर्वोच्च। आप जरा सोच करके देखें, जिसने जन्म ले लिया, जिसने पालना ले ली, वो अजन्मा नहीं कहला सकता। जिसने शरीर धारण कर लिया, शरीर को भोगा, वो अभोक्ता नहीं कहला सकता, वो अयोनी नहीं कहला सकता, वो सर्वज्ञ नहीं कहला सकता, वो सर्वोच्च नहीं हो सकता, वो सार्वधर्म मान्य भी नहीं हो सकता, वो सार्वधर्म मान्य भी नहीं हो सकता। परमात्मा वो होगा जिसको सारे संसार के धर्म मानते हैं, किसी भी देहधारी को सारे संसार के धर्म नहीं मानेंगे। आप परमपिता परमात्मा आकर समझाते बच्चे, मैं सर्वज्ञ हूं, मैं सर्वोच्च हूं, मैं सर्वधर्म मान्य हूं। आप ध्यान से देखेंगे कि किसे सर्वधर्म मान्य कहा जाएगा, किसे कहा जाएगा सर्वधर्म मान्य, परमपिता परम आत्मा को या किसी भी देहधारी को सर्वधर्म मान्य कह सकते हैं? विचार करो, बहुत अच्छी तरह ध्यान से सोचना है, समझना है कि किसी भी देहधारी को क्या हम सार्वधर्म मान्य कह सकते हैं? परम आत्मा एक ज्योति है जो अशरीरी है, जिसको सारे संसार के धर्म मानते हैं, वेदों में जिसे ओम कहा है, ठीक है कि नहीं, और क्राइस्ट ने जिसे लाइट कहा है, गुरु नानक ने जिसे एक ओमकार कहा है, वेदों में ओम, गुरु नानक ने एक ओमकार, ओम माना लाइट, ज्योति, और क्राइस्ट ने कहा लाइट, कुरान ने कहा नूर, जिसको सबने माना, सबने किसी देहधारी को परमात्मा नहीं माना। बहुत अच्छी तरह से समझना है। और उस निराकार अशरीरी अजन्मा ज्योति स्वरूप परमात्मा का यादगार सबसे पहले बनाया सोमनाथ के मंदिर, सोमनाथ के मंदिर में रखा डायमंड, ज्योतिर्लिंग कहा गया उसे, क्योंकि डायमंड चमकता था, परमात्मा ज्योति है, और उसे ज्योतिर्लिंग कहा। इसलिए सबसे प्राचीन जो 12 शिव के मंदिर हैं उनको ज्योतिर्लिंग कहा है, बाद में उसे शिवलिंग कहा, क्योंकि परमात्मा अशरीरी निराकार है, सबका कल्याण करने वाला है, इसलिए उसका नाम शिवलिंग रखा कि उस कल्याणकारी पिता परमात्मा का यादगार है। उसी की राम ने भी पूजा की, कृष्ण ने भी पूजा की, शिवलिंग ने भी, शिव शंकर जी ने भी पूजा की, क्योंकि उसका कोई शरीर नहीं है। गलती से शिव और शंकर को एक मान लिया, वास्तव में दोनों का नाम अलग, दोनों का रूप अलग, दोनों का काम अलग। कभी किसी ने गलती से शिवलिंग को शंकरलिंग नहीं कहा, क्योंकि शिवलिंग निराकार अशरीरी अजन्मा अयोनि परमात्मा का यादगार है।
और सबने उंगली ऊपर की है, महात्मा बुद्ध ने भी, महावीर जी ने भी, गुरु नानक ने भी, क्राइस्ट ने भी, यहाँ तक के साईं बाबा ने आकर के कहा सबका मालिक एक ऊपर वाला। उसने कभी नहीं कहा कि मैं सबका मालिक हूं, परंतु दुनिया वालों ने उसको उठाकर बिठा दिया कुर्सी पर, हमारे लिए तो तू भगवान है, तू जान और वो जाने। क्योंकि दुनिया में जिसने थोड़ा सा भी भगवान के बारे में बताया उसी को भगवान बना दिया। गुरु नानक जी ने परमात्मा के बारे में बताया, उसको बुद्ध को, क्राइस्ट को, मोहम्मद को, नानक को, शंकराचार्य को, राम को, कृष्ण को, जिसने थोड़ा सा भी परमात्मा से मिलती जुलती बातें की उसी को ही परमात्मा बना दिया। वास्तव में ये सब देवता हैं, पैगंबर हैं, मैसेंजर हैं, परंतु ये परम आत्मा नहीं है। क्योंकि परम आत्मा शब्द से भी स्पष्ट होता है, परम आत्मा एक आत्मा, देवात्माएं अनेक, धर्मात्माएं अनेक, दुष्ट आत्माएं अनेक, नीच आत्माएं अनेक, परंतु परमात्मा एक, सुप्रीम वन होता है, ज्यादा नहीं हो सकता। ये बहुत बड़ी गलतफहमी है जिसके कारण उन्होंने साईं बाबा को भी भगवान बना दिया है। आज राह चलते ब्राह्मण को भी भगवान बना देते हैं, किसी ने थोड़ा सा कह दिया और वैसा हो गया, बोल जी हमारे लिए तो यही भगवान है, हम उस भगवान को तो जानते नहीं, इसने कहा था आपके घर बेटा होगा और हमारे घर बेटा हो गया, हमारे लिए तो ये भगवान है, ये तो जो कह दे वो हो जाता है। बहुत अच्छी तरह से हमें समझना है कि परमात्मा एक है, कोई भी देहधारी परमात्मा नहीं हो सकता, तो साईं भी एक देहधारी है इसलिए वो भी परमात्मा नहीं हो सकता। और अच्छी तरह से समझना हो तो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र से संपर्क करेंगे, और यदि आपका कोई प्रश्न हो तो 9213106986 पर व्हाट्सएप करेंगे। ओम शांति। बाबा ने कहा।